नूरपुर इलाके के शहीद नगर में पिटबुल के हमले में बच्ची का कान कटा, पुलिस ने महिला और बेटे पर दर्ज किया केस। दरअसल बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र इलाके के शहीद नगर के रहने वाले धर्म सिंह की बेटी नाव्या को 24 जनवरी को स्कूल से घर जाते समय प्रतिबंधित कुत्ते पिटबुल ने हमला कर मासूम बच्ची का कान काटकर घायल कर दिया था। उसके बाद परिजन मासूम बच्ची को इलाज कराने मुरादाबाद के निजी अस्पताल ले गए और कल मासूम बच्ची की अस्पताल से छुट्टी हुई, जिसके बाद देर रात पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कुत्ते के मालिक अमरजीत की पत्नी और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने धाराओं के तहत के केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू चौधरी है। जी, आपकी बेटी के साथ जो मामला है, क्या है पूरा मामला? वो मामला ये है कि उसमें मेरी बेटी स्कूल से आ रही थी तो वो कुत्ता आया और उसका मकान मालिक भी पीछे से आ गया, कुत्ते का मालिक, और उसने आकर मेरी बेटी को ऑटो से खींच कर नीचे गिरा दिया। मगर वो औरत एक बार भी बचाने नहीं आई, ना उसका लड़का बचाने आया और ना कोई और आया उस टाइम पे, और उसने उसका कान वान सब फाड़ दिया। उसके बाद में मुसलमान के लड़के आए, उन्होंने उसको बचाया और सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए। आपने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, क्या हुआ पूरा मामला? उसका अभी मतलब शुरुआत हो चुकी है, अब आगे देखो। और मैं तो यही कहूंगी कि कठिन से कठिन कार्रवाई मतलब की जाए। मेरे पास कुछ और तो है नहीं कि हाँ मैं कुछ और से लगाऊँ, ये सिफारिश है। आप सच्चाई आपके सामने है, देख सकते हो आप। स्कूली बच्ची को पिटबुल कुत्ते ने काटा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कुत्ते मालिक के, क्या पूरा मामला है? दिनांक 24 तारीख को एक नव्या नामक लड़की को जो है स्कूल से आते समय जो है एक अमरजीत के पिटबुल ने काटा था, जो है उनके द्वारा जो तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? चल रहा है इसमें विवेचना, अभी रात ही मुकदमा लिखा गया, विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। क्या उचित धाराएं हैं इसमें? देख लिया जाएगा, इसमें मेडिकल रिपोर्ट जो भी बताएगा उसके आधार पर जो है जो इनको तहरीर है और तहरीर पर जो मेडिकल रिपोर्ट इसमें आई हुई है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर समुचित धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।